महागठबंधन में खिंचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जेडीयू ने थोड़ा नरम रुख अख्तियार भी कर लिया है तो आरजेडी के नेता अभी भी नीतीश पर हमलावर हैं। सीएम नीतीश कुमार पहले आरजेडी के विधायक और पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ही हमलावर थे, अब वही रुख आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने अपना लिया है। सुधाकर सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं तो सुनील कुमार सिंह खुद को पूर्व सीएम और आरजेडी नेता राबड़ी देवी को अपनी मुंह बोली बहन मानते हैं। जगदानंद और सुनील लालू परिवार के बेहद करीबी हैं। पहले सुनील कुमार सिंह के बयानों के तीर चला रहे थे, अब सोशल मीडिया पर उन्होंने जंग छेड़ दी है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि फेसबुक पोस्ट में सुनील कुमार सिंह ने इशारों में काम चला लिया है, लेकिन इशारों में सुनील सिंह ने निशाने पर सीएम नीतीश कुमार को ही रखा है। उन्होंने रविवार की सुबह फेसबुक पर लिखा, यदि यूपीएससी में सवाल पूछा जाए कि देश का मोस्ट यूनिबल पॉलिटिशियन कौन है तो इसका जवाब क्या होगा, तो उनके इस पोस्ट पर सीधे सीधे कोई उनका मकसद नहीं जान पाएगा, लेकिन इस पोस्ट पर आए कमेंट से जाहिर हो गया कि वो किसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि अब वो पोस्ट उनके वॉल पर नहीं दिख रहा है, शायद उन्होंने इसे हटा लिया है और उनके पोस्ट का स्क्रीनशॉट कई लोगों ने संभाल कर रखा है। वहीं इसके पहले सोशल मीडिया पर सुनील कुमार सिंह ने कहा था, देखिए मित्रों, मैं तो विश्वमान के अध्यक्ष के रूप में झूठी ही सही लेकिन ईमानदारी से ख्याति प्राप्त कर लिया हूं, पर मेरे नाक के ठीक नीचे और अगल बगल में अंगुलीमाम डाकू और डाकू खड़क सिंह जैसे कुख्यात पदाधिकारी बैठे हैं। फिर भी चाहे जो कुछ भी हो, मैं ईमानदार हूं ना। वो जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी को दल बदलू बता चुके हैं। राजू सिंह के हत्या चौधरी के नाम आने से रहस्य उद्घाटना कर चुके हैं। वहीं घाट घाट का पानी पीने वाले नेता कह चुके हैं। अशोक चौधरी ने सुनील कुमार सिंह के बयानों पर सिर्फ इतना ही कहा था कि महागठबंधन में वो नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को ही बड़ा मानते हैं। सुनील सिंह के बातों को नोटिस भी नहीं लेते हैं। उनके यह बयान तब आया था जब सुनील कुमार सिंह ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर, अगर इतने ही ईमानदार हैं तो उन्होंने सीएम सचिवालय में बुला लिया जाना चाहिए, वहां बैठकर वो हर विभाग को ठीक कर सकते हैं। इसके साथ उन्होंने यह भी जोड़ा था कि नीतीश कुमार को जिसे सेतना होता है उसके पीछे ऐसे अफसर लगा देते हैं। यह पहला मौका नहीं है जब आरजेडी के कोई नेता नीतीश कुमार से इस कदर नाराज दिखा हो। सुधाकर सिंह तो नीतीश के को नपुंसक शिखंडी जैसे विश्लेषण से नवाज चुके हैं, लेकिन रोज रोज सुधाकर सिंह के हमले से तिलमिलाए नीतीश ने तब कहा था कि वो सुधाकर के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, आरजेडी के नेतृत्व इसे देखेगा। तब डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा था कि इस तरह के बयानों देने वाले सुधाकर परोक्ष तौर पर बीजेपी की मदद कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन दिलों लालू परिवार यादव सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए गए हुए थे और तेजस्वी ने कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के संज्ञान में सारी बातें हैं, आते ही वो कार्रवाई करेंगे। हालांकि उनके लौटने के पहले ही अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सुधाकर सिंह को शो कॉज नोटिस जो है वो थमा दिया था, उनका जवाब भी आया था, पर अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके बयानबाजी उसी अंदाज में अभी भी होती रहती है। के पाठक विवाद में भी वो चुप नहीं रह पाए और अफसरों पर मनमानी का आरोप लगा दिए। अब से करीब 5 महीने पहले रोहतास के दिनारा में आरजेडी विधायक विजय मंडल ने तो नीतीश कुमार की विदाई का समय तक बता दिया था। उन्होंने दावे के साथ कहा था कि होली के बाद तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हालांकि उसके पहले ही नीतीश ने महागठबंधन की बैठक में कह दिया था कि 2025 के चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। विजय मंडल ने इस पर कहा था कि 2025 तो अभी दूर है, तेजस्वी यादव को होली के बाद ही सीएम पद का जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यह काम कोई और दूसरा नहीं बल्कि खुद नीतीश कुमार ही करेंगे। वैसे उनकी बात निराधार निकली, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का कहना है कि राजद और जेडीयू के कार्यकर्ताओं में कभी मेल ही हो ही नहीं सकता। राजद में नीतीश कुमार को लेकर भारी नाराजगी है तो महागठबंधन सरकार अब अंतिम सांसें गिन रही है। जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी और आरजेडी के नेता सुनील कुमार सिंह आपस में उलझ रहे हैं, तो इसी समझ जाना चाहिए कि महागठबंधन की क्या स्थिति है। दोनों ही अपने दल के शीर्ष नेताओं को करीबी हैं, वो अपने नेता की सहमति के बिना कुछ बोल ही नहीं सकते। राष्ट्रीय लोक जनता दल यानी कि आरएलजेडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जो हैं, उनका कहना है कि राजद और जेडीयू के बीच में यह तो होना ही था। लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार से दोस्ती ही इस लोभ में की कि उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाने दिया जाए।
वहीं इसमें जितना विलंब हो रहा है आरजेडी नेताओं में घबराहट बढ़ती जा रही है। भाजपा विधानमंडल दल के नेता विजय कुमार सिन्हा का कहना है कि राजद का पूरा कुनबा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की योजना में लगा है और इसलिए आरजेडी के नेता नीतीश कुमार और अपमान कर रहे हैं। आरजेडी के नेता मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया और बयानों के जरिए नीतीश पर निशाना साध रहे हैं। वहीं राजद तेजस्वी को सीएम बनाने की हड़बड़ी में राजद और जेडीयू के बीच सरकार बनाने का वक्त पिछले साल क्या समझौता हुआ था, इसका खुलासा उन्होंने करना चाहिए। देखिए इस तरीके का तमाम अपडेट्स के लिए एनबीसी 24 के साथ बने रहिए। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो कर लिए। वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।